अपना तो एक ही है कि कॉलेज में इतना फेमस होना है कि डिपार्टमेंट चेंज होते वक्त यही कुछ 4-5 हज़ार का इंस्ट्रूमेंट उधार चाहिए हो तो वो मिल जाए, फिर क्या, अपना कॉलेज लाइफ तो सेट है। वैसे भी हे भगवान, इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट्स कि अगर उधारी से 5 साल चल जाए देन बाय द एंड ऑफ दिस डिग्री आई विल बी अ मिलियनेयर फॉर श्योर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट फियर्ड येट मोस्ट लव्ड डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री, प्रोस्टो। बेचने वाली दीदियों जैसे बात कर रही हूँ ना, जिसका पोल पापा लोग 30 सेकंड में काट देते हैं। एक्चुअली प्रोस्टो इज लाइक अ ट्रेडिंग मार्केट, जैसे मुझे ही देख लो। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आई हैड एक मांगा हुआ वैक्स नाइफ और एक लैपटॉप कार्गर जो कि मेरे फर्स्ट ईयर की जमा पूंजी थी, और वो लैब में घुसते ही 10 मिनट के अंदर ऐसा गायब हुआ कि लगा कि वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब वो कभी था ही नहीं, पूरा नामो निशान मिट गया। बट टुडे आई एम द सोल ओनर ऑफ 3 वैक्स नाइफ्स एंड 2 लैपटॉप कार्गर। जैसे ही लैब में कोई पूछे कि किसका वैक्स नाइफ क्या गिरा है, सीधा जाके बोले मेरा है, और बस उसमें कोई एक निशान ढूंढो और वो देखो, देखो यहाँ से जो साइड से मुड़ा है ना, ये मेरा है, परसों गिरा था। और यही नहीं, उसे लेके सीधा जाओ और बैग के उस चेन में डालो जहाँ आपका लाइब्रेरी कार्ड हो, क्योंकि वो आप खुद भी नहीं छूते। ओके, so now let's talk about the most rangeen department of dentistry, that's oral pathology, जिसमें मात्र दो ही रंग हैं, pink and purple, और आप इन्हीं दोनों रंगों से ऐसी ऐसी बीमारियां बना लेते हो जिसका आपने खुद में कभी नाम ना सुना हो। मतलब इतनी कंफ्यूजन भाई साहब कि आप एक ही डायग्राम दो बार बना लेते हो, क्योंकि सारे के सारे बीमारी बीमारी आपका माइक्रोस्कोप में दिखते तो मौसेरे भाई है। जैसे मुझे ही देख लो, मैंने अपने अपने ओपी पोस्टिंग में 4 डायग्राम 2 बार बना लिए। अब तो सोच रही हूँ वो सबको कंपाइल करके खुद का हिस्टोलॉजिकल डायग्राम वाला बुक छाप दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब बात करते हैं डेंटिस्ट्री की। ऐसा तो बोला जाता है कि डेंटिस्ट्री हाथों का खेल है, बट ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हाथों पे छालों का खेल है। अगर तार मोड़ते हुए आपके हाथों से खून ना बहा तो आपने प्यारी ऑर्थो का काम किया। ऑर्थो में यू गाइस मस्ट हैव नोटिस्ड कि जो भी प्लायर्स एंड वायर कटर्स होते हैं उनको कोई स्पेसिफिक डिब्बा नहीं होता है, राइट? तो लोग बड़ी अजीबो गरीब डिब्बों में डाल के लाते हैं। कोई लाएगा तनिष्क के ज्वेलरी बॉक्स में, तो कोई लाएगा बाटा के जूते के डिब्बे में। वैसे आई टीम सोन पापड़ी, मैं सोन पापड़ी के डिब्बे में लाती हूँ। पर जब भी मुझे तार काटना होता है आई स्ट्रेट गो टू द पर्सन हु हैज तनिष्क ज्वेलरी बॉक्स, क्योंकि उनके पास हैशटैग जर्मनी मेड एक्सक्लूसिव प्लायर्स एंड वायर कटर्स होते हैं। और भाई काटो तो शान से, स्टाइल से काटना है। तो यही कुछ डिपार्टमेंट्स के साथ में थर्ड ईयर की स्टार्टिंग हुई है। अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, नहीं तो पता चला टाइम एक्सीड करने के लिए फिर से अटेंडेंस काट दिया गया। सो आपको अच्छा लगा तो अगले साल फिर आऊंगी तीनों डिपार्टमेंट्स की छुट्टियां लेके। थैंक यू।